बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है कि सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियोज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो फिगर दी गई है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कुछ हमारे पास शेप्स दे दी गई है। तो हमें इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा कि आपको सर्कल का देन रेक्टेंगल से बताओ या रेक्टेंगल का सर्कल से बताओ, ठीक है ना, या ट्रेंगल का सर्कल से बताओ, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले देखो क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी पहले हम नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास शेप्स हैं वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं हमारे पास, देखो एक दो तीन, टोटल में तीन ट्रेंगल। देन हम सर्कल निकालेंगे, सर्कल देखो कितने इसके अंदर, एक एंड दो, ठीक है, दो ही है ना हमारे पास। देन हम निकालेंगे रेक्टेंगल कितने इसके अंदर, रेक्टेंगल देखो एक दो यही है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी शेप हो गई, 3 to 5, 5 to 7। ओके अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इन साइड द रेक्टेंगल। तो हमारे पास सॉल्यूशन है ए का, क्या है सबसे पहले क्या बोला है, ट्रेंगल के साथ हमारा जो रेशियो निकालना है सर्कल के जो नंबर्स है हमारे पास। तो ट्रेंगल के कितने नंबर्स है हमारे पास, देखो कितने नंबर ऑफ ट्रेंगल्स है हमारे पास, तीन, अपॉन में क्या पूछा जा रहा है, किससे रेशियो पूछा जा रहा है, सर्कल से। तो सर्कल के कितने हैं, टू हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो अब हो ही नहीं सकता इतना सिंपलेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, ओके ये इसका रेशियो है। देन बारी आती है हमारे पास पार्ट नंबर बी की, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, टू, ठीक है जी। देन क्या करेंगे, सबसे पहले टू लिखेंगे, देन क्या पूछा, जितनी टोटल में फिगर्स है हमारे पास उसमें टोटल में कितनी है, सेवन, तो टू अपॉन सेवन यानी कि यही होगी ना। देन हमारे पास है ये पार्ट सी, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। अब सर्कल के साथ हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है जो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स है हमारे पास, सिंपल सी चीज। आइए नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हमारे पास, टू, एंड द टोटल फिगर्स कितनी हमारे पास, सेवन, ओके तो ये हो गया टू अपॉन सेवन, ये भी हमारा टू अपॉन सेवन आया, ओके तो ये है हमारे पास जो तीन पार्ट थे। इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है, बस ये याद रखना जो पहले लिखा है वो हमारा एंटीसीडेंट होगा और जो बाद में लिखा है वो हमारा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट होगा, ओके तो ये हो गया है। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को, वीडियो लगे अच्छी तो कर देना लाइक, ठीक है बच्चों, थैंक यू।